अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, हमारे जीवन में धन का क्या महत्व है, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। धन के अभाव में कोई भी व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। ये मात्र कहने की बात है कि धन ही जीवन में सब कुछ नहीं होता, या धन से हम खुशियां और रिश्तों को नहीं खरीद सकते। वास्तव में तो धन ही सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ तो है ही। धन से खुशियां तो नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन धन पास में होने से खुशियां भी अपने आप ही खींची चली आती है। यदि जीवन में धन का महत्व नहीं होता तो फिर क्यों लोग धन को कमाने के लिए दिन रात एक कर देते। दोस्तों, धन की कामना हर कोई करता है, हर कोई धनवान बनने के सपने देखता है, और हर किसी को एक सुख सुविधा से भरपूर जीवन की आकांक्षा होती है। ये जीवन का एक कटु सत्य है कि जिसकी जेब में पैसा होता है उसकी मुट्ठी में दुनिया होती है, और गरीब के साथ कोई नहीं होता। इसलिए सारा जमाना माँ लक्ष्मी जी की आराधना करता है और धन संपत्ति की कामना करता है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी हर किसी पर आसानी से प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी जी को खुश करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जिस पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है वो कभी भी दुखी नहीं रहता। माँ लक्ष्मी अपने हर सच्चे भक्त पर किसी न किसी दिन अपनी कृपा जरूर करती है। हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमारे घर में रहने भी आती है, और माँ लक्ष्मी जब भी हमारे घर में आती है तो आने से पहले कुछ ऐसे संकेत देती है जिनसे हम पहले ही समझ सकते हैं कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का निवास होने वाला है। हमारे दुख और दरिद्रता के दिन अब समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि शास्त्रों में बताए गए ये संकेत अत्यंत शुभ और भाग्यशाली माने गए हैं। ये साक्षात माँ लक्ष्मी के आगमन के संकेत माने जाते हैं। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिले तो समझ जाइए कि माँ लक्ष्मी की कृपा अब आप पर बरसने वाली है। तो आइए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। पर इससे पहले कमेंट्स में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, ताकि माता रानी के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। पहला संकेत है काले रंग की चींटियां। चींटियां काले और लाल दोनों रंग की होती है। इनमें से घर में लाल चींटियों का होना तो बहुत ही बड़ा अपशगुन माना गया है, जबकि काली चींटियां अत्यंत शुभ होती हैं और बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काले रंग की चींटियों को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। घर में यदि अचानक काले रंग की चींटियां गोलाकार में घूमती नजर आए तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत माना गया है। ये माँ लक्ष्मी जी के घर में आगमन का संकेत है। इसलिए काली चींटियां दिखाई दे तो उन पर हल्दी कुमकुम चढ़ाएं और प्रणाम करें। उन्हें खाने के लिए आटा और शक्कर दें। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है और घर में धन की बढ़त होती है। काली चींटियों को झाड़ू से घर से बाहर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि झाड़ू भी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। ऐसे में माँ लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती है, इसलिए कभी भी चींटियों को झाड़ू से बाहर नहीं करना चाहिए। दूसरा लक्षण है चींटियों की तरह ही छिपकली। छिपकली को भी माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। यदि घर में अचानक तीन छिपकलियां एक ही स्थान पर दिखाई दे तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ये माँ लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत है। यदि छिपकलियां एक दूसरे का पीछा करती हुई दिखाई देती है तो ऐसा माना जाता है कि ये घर की उन्नति का संकेत है। दीपावली के दिन तो तुलसी के पौधे में छिपकली दिख जाए तो अत्यंत शुभ माना जाता है। ये भरपूर धन मिलने का संकेत है। इसलिए किसी विशेष अवसर पर अगर छिपकली दिखाई दे जाए तो उस पर कुमकुम और चावल जरूर चढ़ाएं। तीसरा संकेत है पक्षी। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ पक्षियों का हमारे घर में या घर के आसपास होना अशुभ माना गया है, तो वही कुछ पक्षियों के रहने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई चिड़िया घोंसला बनाती है तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। ये माँ लक्ष्मी के आने का संकेत है। इसलिए अगर आपके घर में कोई चिड़िया घोंसला बनाती है तो उसे भूल से भी तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके जीवन में आने वाले अपार धन का संकेत है ये। इसके विपरीत यदि बाज कौए जैसे पक्षी अचानक बार बार आने लगे तो यातायात अशुभ संकेत माना जाता है। लक्ष्मी जी के वाहन उल्लू को देखना भी शुभ संकेत माना गया है। चौथी बात है शंख की ध्वनि। आपको दिन के किसी भी समय या फिर मुख्य तौर पर अगर सुबह और शाम को नित्य शंख की ध्वनि सुनाई दे तो यातायात शुभ माना जाता है। इसका अर्थ ये है कि माँ लक्ष्मी आप पर बहुत ही प्रसन्न है और जल्द ही आपके खराब जीवन में प्रवेश करने वाली है, जिससे आपको आ रही आर्थिक संकट अब दूर होने वाले हैं और जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है।
दोस्तों अगला संकेत है, यदि आपके दाहिने हाथ की हथेली में लगातार खुजली हो रही है तो ये भी धन प्राप्ति का शुभ संकेत है। माँ लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने वाली है। अगला संकेत, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सपने में लगातार कुछ न कुछ संकेत हमें मिलते रहते हैं, इसी तरह यदि हमें धन लाभ होने वाला हो तो माँ लक्ष्मी जी ये संकेत भी हमें सपनों द्वारा दे देती हैं। यदि हम सपने में बार बार झाड़ू, घड़ा, सांप, नेवला या उल्लू देखते हैं तो निश्चित ही हमें निकट भविष्य में धन लाभ होने वाला है। हम यदि वास्तव में भी नेवले को देखते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं कि सुबह उठने के बाद अगर आपको आपके अंदर एक अलग सी खुशी महसूस होने लगे और जब आप अपना चेहरा शीशे में देखें तो एक अलग चमक आपको दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि उस दिन आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है या फिर आपके जीवन में चल रही मुश्किलें हल होने वाली है। बिना वजह परिवार के किसी सदस्य से आपको पैसे मिले तो इसका मतलब होगा कि आपको किसी काम में सफलता मिलने वाली है और आपका जितना भी बुरा समय था वो दूर होने वाला है। इसके साथ ही धन में वृद्धि होने की संभावना भी बढ़ती है। अगर आप किसी कार्य से घर से बाहर सुबह के समय जा रहे हैं और रास्ते में आपको पानी से भरा हुआ घड़ा या फिर दूध से भरा हुआ कोई बर्तन दिखाई दे जाए तो ये शुभ संकेत माना गया है। इसका मतलब है कि आपका कार्य सफल जरूर होगा। ये बात तो सब जानते ही है कि पशु पक्षी भी हमें आने वाले समय के बारे में संकेत देते हैं। अगर आपके घर या उसके आसपास बिल्ली बच्चों को जन्म देती है तो ये अच्छे समय के संकेत होते हैं। घर से बाहर जाते समय कोई हंसता हुआ बच्चा दिखाई दे जाए तो समझ जाना चाहिए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। इसके साथ ही आपका दिन शुभ बीतने वाला है। दोस्तों किसी भी व्यक्ति का जीवन आसान नहीं होता। अगर जिंदगी में सुख आएंगे तो यकीनन दुख भी जरूर मिलेंगे। इस जीवन का दूसरा नाम ही सुख दुख है। इंसान इन दोनों दौर से गुजरता है लेकिन कब व्यक्ति की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़े ये कोई नहीं जानता है। पर दुख आने से पहले भी भगवान कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं। चलिए आज हम आपको ऐसे ही संकेतों के बारे में बताते हैं जो भगवान बुरा वक्त आने से पहले आपको देते हैं। बुरा वक्त आने से पहले भगवान कुछ इस तरह के संकेत देते हैं। दोस्तों आमतौर पर किसी को बुरे सपने आते हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर बुरे सपने आपको लगातार आने लग जाएं, तो परिवार के सदस्यों पर भी बड़ी मुसीबत आने की आशंका हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको हर रात सोने से पहले हनुमान चालीसा या फिर अपने ईश्वर को याद करना चाहिए, जिन्हें आप मानते हैं, यानी आप अपने ईष्ट देव का नाम स्मरण करके सोइए। अगर आप अपने सपने में किसी को रोते हुए देख लेते हैं तो ये बहुत ही खराब सपना माना जाता है। तो अगर आपको ऐसा कोई सपना आए तो उसे किसी को भी नहीं बताइएगा। माँ तुलसी के आगे अपना सपना बता दीजिए, इससे सपने का बुरा प्रभाव टल जाता है। इस बात को आप जितना गुप्त रखेंगे उतना अच्छा होगा, इसलिए किसी और से ना कहिएगा। इससे बचने का ये एक ही उपाय है। दोस्तों अगर आपके घर में जिस समय आप झाड़ू लगा रहे हैं उसी दौरान आपको कोई ऐसी अनावश्यक चीज दिखाई दे जाए जो आपने पहले कभी भी ना देखी हो तो समझ लीजिए कि कोई ऐसी चीज है जो आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। उस चीज को उठाकर कहीं सही जगह पर रख दीजिए और उससे माफी मांग लीजिए या किसी पवित्र जगह पर उसका विसर्जन कर दीजिए। इससे बुरा असर टल जाएगा, इससे आपके दुख कुछ हद तक कम हो जाएंगे। अगर आपको कहीं काले रंग की बिल्ली दिखाई दे जाए जिसे आपने पहले कभी ना देखा हो और वो आपको घूर कर देखे तो इसका बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार काली बिल्ली को अपशगुन माना जाता है। अगर वो अनजान बिल्ली आपको घूर कर डराने की कोशिश करे तो समझ जाइए कि आपके ऊपर बुरी मुसीबत पड़ने वाली है। इससे बचने के लिए बिल्ली की आंखों में बिना घूरे उसे भगा दें और ईश्वर से अपने परिवार के सुखी रहने की कामना करें। शास्त्रों में लिखा है छिपकली अच्छे और बुरे दोनों समय का संकेत देती है। अगर अचानक आप अपने घर में दो छिपकलियों को झगड़ते हुए देखते हैं और लड़ते लड़ते वो अचानक गायब हो जाए तो समझ जाइए कि ये संकट की बात है। इसलिए घर में छिपकलियां लड़ रही हो तो उन्हें अलग कर दीजिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।